अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मानो का किचन जी। आज मैं अपने किचन में जो रेसिपी लाई हूँ वो है कीमे वाले मज़ेदार चावल। ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो बीफ कीमा, इसे हमने अच्छे से धो लिया है, ठीक है। यहाँ मैंने लिया है एक कप ऑयल, दो टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिए हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, चार अदद मैंने हरी मिर्च ली है, एक टीस्पून मैंने सुरख लाल मिर्च ली है, एक टीस्पून मैंने रंगीन लाल मिर्च ली है, एक टीस्पून मैंने नमक लिया है। मसालों की मिकदार इसलिए कम है, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ क्या वजह है, क्योंकि जो चीज़ें हमने और इसमें शामिल करनी है, जैसे कि इसमें ग्रीन चटनी शामिल होगी तो उसमें भी हरी मिर्च और नमक मिर्च होगा, इसलिए। तो यहाँ मैंने एक टीस्पून लिया है क्योंकि हम राइस जो बॉईल करेंगे उसमें भी नमक शामिल होगा, इसलिए हमने एक टीस्पून लिया है। एक टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, एक टेबलस्पून यहाँ पे ज़ीरा लिया है, दो टेबलस्पून मैंने लेमन जूस यहाँ पे लिया है, एक टेबलस्पून तकरीबन मैंने यहाँ पे साबुत गर्म मसाला लिया है जिसमें दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची और काली मिर्च वगैरह शामिल है, हाफ़ टी स्पून पिसा गर्म मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, यहाँ पे तीन अदद मैंने मोटे मोटे टमाटर काट के रखे हैं और तीन अदद मोटे मोटे प्याज काट के रखे हैं और दो गिलास पानी का हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें हम पहले कीमा बनाएंगे, उसके बाद हम फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे और अंडे बॉयल करेंगे जो कि हम ऊपर डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे और चावल बॉयल करेंगे। तो चावल हम इसमें ले रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कितने हम लेंगे आधा किलो कीमे के हिसाब से। तो ये हम जितने भी मसाले शामिल करेंगे ये हमने चावलों के और कीमे के हिसाब से करना है। अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आपको मसाले भी बढ़ाने होंगे, अगर आप चावल बढ़ा रहे हैं तो आपको कीमा भी बढ़ाना होगा, मसाले भी बढ़ाने होंगे। और दूसरा, इसमें ग्रीन चटनी इस्तेमाल होगी, जो वो मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे चैनल पे आपको मेरी ग्रीन चटनी की रेसिपी मिल जाएगी अगर आप देखना चाहते हैं उसकी क्या रेसिपी है। तो अब हम पहले चलते हैं कीमे की तरफ कि हम कीमा किस तरह बनाएंगे। एक बात और वाजह कर दूँ कि कीमा हम जिस तरीके से बनाने लगे हैं मैं पहले भी बताती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान तरीका आप लोगों को बताऊँ, वो पहले भूनना करना, बारीक काटना, क्योंकि जेंट्स हजरात के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बारीक कटिंग करना, तो इसलिए मैंने ये मोटा मोटा स्लाइसेस में कटिंग किया है। इसको हम सारी चीज़ें डाल के एक साथ चढ़ाएंगे, बहुत आसानी से पकेगा। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हम बनाएंगे। ये हमने प्रेशर कुकर लिया है, अगर आप चाहें तो ये पतीली में भी बना सकते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। सबसे पहले हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे, हम इसको भून के वाली रेसिपी से नहीं बना रहे, मैंने आपको भी बताया था, ठीक है। ये हम इसमें डाल देंगे प्याज कटी हुई, ये टमाटर, सुरख मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर, पिसा गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, पिसा धनिया, रंगीन लाल मिर्च, साबुत गरम मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये हमने डाल दिया है। अब साथ ही हम इसमें एक कप जो ऑयल था वो शामिल कर देंगे। एक कप ऑयल हमने इसलिए लिया है कि जो हमारे चावल हैं हमने उसके हिसाब से लिया है। और यहाँ पे हम डाल देंगे दो गिलास पानी, ठीक है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ऐसे मिक्सिंग हो गई, सारे मसाले डल गए। अब हम इसे बंद कर देंगे, ये हमारे सारे मसाले जो हैं इसमें गल जाएंगे। अब हम ये प्रेशर कुकर बंद करने लगे हैं, ये तकरीबन हम 15 मिनट के लिए लगाएंगे, इतने में हमारे मसाले अच्छे से गल गए होंगे, फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। ये मैं चूल्हा ऑन कर रही हूँ और फ्लेम का मैं आपको बता देती हूँ, इसको नॉर्मल उस पर रखना है, ना बहुत हाई ना बहुत कम। तो 15 मिनट के लिए मैंने ये सब मसाले डाल के कीमे को रख दिया है, फिर जब भून लेंगे तो हम आपको दिखाते हैं। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है, देखेंगे कीमा किस उसमें पोजीशन में है। और प्रेशर कुकर खोलने का तरीका मैं आपको हमेशा इस तरह से बताती हूँ, अपनी साइड पे कभी भी मत खोलिएगा। ये देखें ऑयल निकल आया है, अब हम इसको भूनेंगे, चूल्हा हम जलाएंगे और इसकी हमने अब भुनाई करनी है। और भुनाई करते वक्त हमने ये ग्रीन हरी मिर्च डाल देनी है इसमें, और ये जो लेमन जूस था ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको नॉर्मल आंच के ऊपर हमने
भूनना है 10 से 15 मिनट के लिए। इस तरह भूनेंगे हम कि ये बिल्कुल जो थोड़ा सा इसमें पानी है, देखें टमाटर प्याज वगैरह ये सब बीच में इसमें बिल्कुल घुल गए हैं और मज़ीद भूनने पे घुल जाएंगे। तो मैं अब इसको भूनूंगी 15 से 20 मिनट के लिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करते हैं। कीमा हमने अच्छे से भून लिया है, 15 से 20 मिनट मैंने इसे भुना है। ये देख सकते हैं आप, ऑयल ऊपर आ गया है, हमारा कीमा बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार कीमा तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और मैं आपको बताती हूँ कि इसकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी। तो अब मैं चूल्हा ऑफ करती हूँ और मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। जी, कीमा हमारा रेडी हो गया था। इसमें मैंने आपको बताया था मैंने 1 किलो चावल बॉयल कर लिए थे, आधा किलो कीमा था। बॉयल चावल की रेसिपी मेरे चैनल पे मैं आपको दे चुकी हूँ, जिस तरीके से चावल बॉयल होते हैं सेम वही तरीका है। यहाँ हमने फ्रेंच फ्राइज बना के रखे हैं, बॉयल अंडे रखे हैं इसकी डेकोरेशन के लिए। यहाँ पे मेन चीज़ जो इस डिश की है वो है ग्रीन चटनी, इसकी रेसिपी भी मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। और ये कुछ टमाटर गाजर वगैरह है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम किस तरीके से तय लगाएँगे। अब हम इसकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई डिश आप तक पहुँच सके। और अब हम बताते हैं, हमने ये इसमें चावल निकाल ली है और ये इस कीमे में आप देख रहे हैं कि आपको घी नज़र आ रहा होगा, हमें घी और कीमा साथ लेना है। इस तरीके से हमने इसको डालना है ऐसे। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत के दिल चाह रहा है बस शुरू हो जाए। आप इसे ट्राई करेंगे ना तो आप ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई ये एक ऐसी बिल्कुल ही डिफरेंट रेसिपी है, आप लोगों को पसंद आएगी उम्मीद है मुझे। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने नमक मिर्च का हिसाब बहुत नॉर्मल रखा है, हमने चखा है बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि हमारी चटनी है उसमें भी मसाले वगैरह नमक वगैरह शामिल है, ग्रीन चिली शामिल है, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये ग्रीन चटनी डालेंगे जो कि इस डिश की जान है, इसी से इसमें टेस्ट आएगा। ये हम एक इस तरह से भर के डाल देंगे ऐसे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आप लोगों को। हम चाहते तो इस पर धनिया पुदीना साबुत डाल सकते थे, लेकिन ये जब कीमे में ये चटनी मिक्स होती है ना तो बहुत अच्छा उम्दा मज़ेदार टेस्ट आप लोगों को मिलेगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमने इसमें कीमा डाल दिया, चटनी डाल दी, अब हम इसमें ये बॉयल जो हैं अंडे ये हम साइडों पे इस तरीके से गैप के साथ रखते जाएंगे। साथ साथ हम इसमें टमाटर और गाजर, कभी आपकी मर्ज़ी ये है, आप इसमें चाहें तो कच्चे प्याज भी रख सकते हैं, बस सिर्फ हमारा काम है इसको अच्छे से पेश करना ताकि खाने को दिल चाहे। इस तरह से ये सारे अंडे हम रख देंगे गैप के साथ, साथ ही साथ हम इसमें ये टमाटर डालेंगे ऐसे। देखिए कितना अच्छा रंगीन लग रहा है इस तरह से, इसमें हर कलर आ रहा है, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब इसमें आप एक दो गाजर इसमें साइडों पर रख दीजिए ताकि कलरफुल हो जाएंगे। ये हमने इसको सजा दिया है और अब हम लास्ट में इसमें डालेंगे फ्रेंच फ्राइज इस तरह से, थोड़े इधर थोड़े इधर। डिश हमारी छोटी पड़ रही है लेकिन ये है कि बाकी के हम बड़ी डिश भी तैयार करेंगे। ये देखिए ये हमने सजा लिया है, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है आप फ्रंट फ्राइज जितने डालना चाहें। ये हमारी डिश बिल्कुल रेडी हो गई है। तो बहुत जल्द मैं नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।